वेलकम बैक विद न्यू वीडियो। आज के हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है हमारा, अगर आपने कोई मास गेनर खरीदा है उसका इंपोर्टर जो है वो MPN है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि आपने जो प्रोडक्ट लिया है वो आपको ओरिजिनल है या फिर वो फेक है, चाहे वो आपका ग्लूटामाइन हो, चाहे वो आपका BCAA हो या कोई भी प्रोडक्ट हो जिसका इंपोर्टर जो है, जो जेन्युइन इंपोर्टर है वो आपका अगर MPN है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सिंपली अपने प्रोडक्ट जो आपने लिया है उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ आया होगा, आपको उसको क्या करना है, आपको इसको स्क्रैच कर लेना है। यहाँ पर आपको विंडो पे दिखाई दे रहा होगा कि हमने इसको स्क्रैच कर लिया है। जब आप उसको स्क्रैच कर लोगे तो यहाँ पर आपको एक कोड नज़र आएगा, आपको इस कोड को नोट कर लेना है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको चलना है अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। जब आप मोबाइल की स्क्रीन पर जाओगे तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में आपको सर्च करना है TrueMPN। जब आप TrueMPN सर्च करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा फर्स्ट वन TrueMPN ऐप को इंस्टॉल करने का। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर ली है इसलिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपका ओपन के लिए, लेकिन हमें ओपन नहीं करनी है, आपको करनी है इंस्टॉल। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो आपका ऑप्शन आ जाएगा ओपन करने के लिए। फिर आपको क्या करना है, आपको मेन स्क्रीन पर जाना है, आप ढूंढ लेना आपकी ऐप कहाँ पर इंस्टॉल हुई है। मेरी इस फोल्डर में मैंने डाल रखी है, तो हम अपने ऐप में एंट्री करेंगे तो उसके बाद में क्या होगा, आपको एक ऐसा देखने को मिलेगा इंटरफेस, उसमें आपको सिंपली क्या करना है, लेकिन आपका ऐसा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आपको इसमें एक प्रोसेस और करना होगा। आपको यहाँ पर अपना नाम डालकर, मोबाइल नंबर डालकर आपको अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर ऑप्शंस में जाना है। जब आप ऑप्शंस में जाओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, द थर्ड वन इज़ प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन। आपको सिंपली प्रोडक्ट ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं आपको एंटर योर प्रोडक्ट कोड। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का कोड डालना है, सबसे पहले जो आपके स्क्रैच किया है आपने, आप वाला अपना कोड डाल देना। हम अपना कोड डाल देते हैं, हाँ तो फ्रेंड्स हमारा देखिए कोड डल चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने स्टोर से ख़रीदा है तो आप स्टोर सेलेक्ट कर लेना, ऑनलाइन लिया तो ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना, अगर आपने कोई अलग तरीके से ख़रीदा तो आप उसको अदर पे क्लिक कर देना। हमने लिया स्टोर से, स्टोर का नाम आप कुछ भी डाल सकते हो जो आपका मन करे, एड्रेस में आप क्या डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो, वैसे आप अपना एड्रेस डाल देना। उत्तर प्रदेश डाल दिया मैंने, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ नोएडा या गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर आ गया है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा वेरीफाई योर प्रोडक्ट का, सबसे लास्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ आ जाएगा कि द कोड दिस वन इज़ ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड फॉर लबराड़ा मसल मास गेनर बाय राहुल, 29 तारीख 8वें महीना 2020 में ये ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो चुका है, मतलब ये मैंने इसको ऑथेंटिकेट कर लिया था पहले ही। तो आपको अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन होगा तो आपको ऐसी विंडो देखने को मिलेगी। अगर आपका प्रोडक्ट किसी और ने यूज़ किया होगा तो आपको ऐसा मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा कि किसने आपका जो प्रोडक्ट है वो यूज़ किया है और कब किया है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको लिखी हुई दिख जाएगी। साथ ही आपको एक बात और बता दूँ, साथ में आपको ये विंडो यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, इसमें जो है आपके बैकग्राउंड में इमेज भी दिखाई देगी आपको कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सा था जो आपने लिया है, उसका कोड ये है और ये प्रोडक्ट ये वाला है। तो सिंपली ये था हमारा एक छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे पहचान सकते हो कि आपका जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइन है या फिर वो फेक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है, बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।